चीन के जासूसी जहाज जिसका नाम है जियांग यांग होंग 3 है, वो वापस से मालदीव के वाटर में आ गई है और पिछले कुछ महीनों में ये जहाज मालदीव के समुद्री इलाके में कई बार आ चुकी है। हालांकि पहली बार मालदीव ने चीन को कोई भी काम करने के लिए मंजूरी नहीं दी गई थी। बता दें कि चीन इसे समुद्री अनुसंधान जहाज बताता है जो वैज्ञानिक सर्वे का काम करता है। 100 मीटर लंबे इस जहाज को 2016 में चीन के स्टेट ओशनिक एडमिनिस्ट्रेशन के खेमे में शामिल किया गया था। दोस्तों बता दें कि जियांग यांग होंग जहाज लगभग 4,500 टन वजन का जहाज है। इस जहाज को हिंद महासागर के तल की मैपिंग जिज्ञासा के रूप में जाना जाता है। इस तरह के जहाज बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा प्रदान कर सकते हैं जो पानी के नीचे भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं की भविष्यवाणी करने में कारगर होते हैं। फिलहाल वर्तमान समय में ये एकमात्र जहाज चीन में है जो 4,500 टन का है। 2019 से चीन ने इस जहाज का प्रयोग पायलट महासागर प्रयोगशाला में और गहरे समुद्र सर्वेक्षण के लिए किया था। और बता दें कि चीनी नौसेना ही इन जहाजों का संचालन करती है। हालांकि भारत अमेरिका समेत अन्य देशों का मानना है कि चीन इन जहाजों के जरिए हिंद महासागर में जासूसी गतिविधियों को अंजाम देता है। दोस्तों खबर ये भी है कि चीन अपने सहयोगी पाकिस्तान को 8 सबमरीन्स ट्रांसपोर्ट कर रहा है। चीन पाकिस्तान को भारत के खिलाफ और मजबूत करने के लिए विमान वाहक पोत भी भेजने वाला है और यही कारण है कि भारत ने अपने पड़ोसी देशों में ठहरने वाले चीनी जासूसी जहाजों को लेकर हर बार कड़ी से कड़ी आपत्ति जताता रहा है। दोस्तों अगली खबर ईरान से है। बता दें कि 13 अप्रैल को ईरान ने पुर्तगाल के झंडे वाले एक जहाज को अपने कब्जे में कर लिया था। अब ईरान का कहना है कि MSC एरियस वो जल्द ही रिलीज कर देंगे। दोस्तों बता दें कि MSC एरीज में कुल 17 भारतीय क्रू मेंबर्स सवार थे जिसे ईरान द्वारा पकड़ लिया गया था। खबर ये भी है कि इनमें से एक महिला क्रू मेंबर को पहले ही मुक्त करके उन्हें वापस भारत भेज दिया गया था और उस महिला क्रू मेंबर के अलावा 16 और भारतीय क्रू मेंबर्स को जल्द ही मुक्त करके भारत भेज दिया जाएगा। दोस्तों इसके साथ ही बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक ओनियल टैंक जहाज जो रूस से भारत की तरफ बढ़ रहा था उस पे हूती रेबेल्स द्वारा मिसाइलों से हमला किया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक हूती रेबेल्स ने 3 मिसाइलें उस जहाज पर चलाई थी। हालांकि तेल टैंकर को कुछ खास नुकसान नहीं पहुंचा। दोस्तों एक अन्य खबर ये भी है कि भारत ने हाल ही में फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल डिलीवर कर दिया है और इस डिलीवरी के बाद चाइनीज मिलिट्री की तरफ से भी कुछ प्रतिक्रियाएं नजर आई हैं, क्योंकि फिलीपींस को ऐसे समय में भारत से मिसाइल की डिलीवरी मिली है जब उसका साउथ चाइना सी में बीजिंग के साथ कुछ तनाव चल रहा है। भारत द्वारा फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलों की डिलीवरी पर प्रतिक्रिया देते हुए चीनी सेना के प्रवक्ता ने कहा कि दोनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग में इस बात का ध्यान जरूर रखा जाए कि इससे किसी तीसरे पक्ष के लाभ को नुकसान नहीं पहुंचे। दोस्तों चीन ने यह भी कहा कि एशिया प्रशांत में अमेरिका की ओर से बैलिस्टिक मिसाइलों की तैनाती का हम पूरी तरह से विरोध करते हैं। अमेरिका का यह कदम क्षेत्रीय देशों की सुरक्षा को गंभीर रूप से खतरे में डालने के समान है। दोस्तों आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के MKI लड़ाकू विमान ने एक मिसाइल को सफलतापूर्वक ध्वस्त किया था। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया एयरफोर्स इन मिसाइलों को भारत में ही बनना चाहती है। इसके बाद इसके बहुत सारे ऑनऑर्डर्स भी प्लेस किए जाएंगे। दोस्तों बता दें कि इंडियन एयरफोर्स ने अंडमान में हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। इस मिसाइल का नाम है क्रिस्टल मेज 2। दोस्तों क्रिस्टल मेज 2 मिसाइल 250 किलोमीटर से भी अधिक दूरी तक अपने दुश्मनों पर वार कर सकती है और अंडमान और निकोबार द्वीप में भारतीय वायुसेना ने जिस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है उसे हवा से लॉन्च किया जाता है। इस मिसाइल को रॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि इस मिसाइल का सफल परीक्षण अंडमान के एक परीक्षण रेंज में SU-30 MKI फाइटर जेट के द्वारा किया गया था। दोस्तों इंडियन एयरफोर्स अब बड़ी संख्या में इजरायली मिसाइल को हासिल करने का प्लान बना रही है। तो दोस्तों ये थी कुछ जरूरी खबरें जिन्हें आपने आज की इस वीडियो के माध्यम से जाना। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।